हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो वो सब यही मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे को देख कर और हजरत मौलाना के अजान को सुनकर बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला दिन पूरी रात चौबीस तरक्यात के मुनासिब देख रहा है इस मदरसे को पूरे आलम के लिए। यहाँ से पढ़ने वाले जो तलबा अजीज हैं जो भी निकले ये पूरे आलम में फैल कर काम करें, एक ईश्वर शाद करें। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की भेजी हुई शरीयत रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत को ये हर पूरी दुनिया के लिए इंशाअल्लाह आम करने वाले होंगे। हमारे मदरसे का यही मकसद है। देखो यहाँ आपको दुनिया नहीं सिखाएगी, यहाँ आपको ये सिखाया जाएगा जीना कैसे, दुनिया में रहना कैसे। ये माल और कोई चीज नहीं है, ये माल तो बहुत है। मैं एक वाक्य सुनाकर अपने माल को खत्म करूंगा। हजरत मोहम्मद एक नवाब साहब आए उनके पास, हम लोगों का हाथ क्या है और उनका दिल। नवाब साहब आए और कहने लगे हजरत को छुट्टियाँ लेके आया हूँ पेश करना चाहता हूँ। तो हजरत ने फरमाया कि भाई देखो मेरी तनख्वाह इतनी है उसमें इतना पैसा बच जाता है, मैं अपनी तनख्वाह को कब कराने के चक्कर में हूँ, मुझे क्या जरूरत है इसकी। अरे हजरत आपको तो लेना ही पड़ेगा। तो हजरत ने मना कर दिया। अच्छा हजरत हमारे लिए आपको अपने लिए नहीं दीजिए तो तालू के लिए। हजरत ने फरमाया अभी तालून के जो मसरफ है या तालून जो खर्च है उसके लिए हमारे पास पहले से इल्म मौजूद है, इसलिए तालून को भी इसकी जरूरत नहीं है, आप कहीं और खर्च करते। वो नवाब साहब परेशान होकर बार बार सलाह करते रहे आपको लेना ही पड़ेगा। हजरत ने कहा है मुझे जरूरत नहीं है आपके पैसे की। और ये कहते हुए वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। आपकी वही जो है जो गेट होता है उसको बंद कर दिया। तो वो नवाब साहब जुतियों में पैसा रख के चले गए आगे लाने। कुछ देर के बाद अलाउद्दीन निकले, देखा जुतियों में रुपए पड़े हुए हैं। कहा कमबख्त दुनिया मैं इससे भागना चाहता हूँ, ये देखो कदमों में आगे है ना। तो ये आप जब दुनिया से भागेंगे तो दुनिया आपके कदमों में आगे पीछे समझ रहे हैं ना। लेकिन ये सारी चीजें यही आपको यही ये सारी चीजें आपको मिलेंगी मदरसे के अंदर। बात समझ रहे हैं। अल्लाह ताला आपको आलिम दीन बनाए, आलिम कुरान बनाए, बेहतरीन आलिम बनाए, अच्छा आलिम बनाए और उसके साथ साथ मैं कहता हूँ खुद कफील भी बनाए, बेहतरीन ताजिर भी बनाए। ताकि दाइफ के बारे में सलाह की दुनिया को पास दीजिए हो सिर्फ दो चीजें हैं बिना माल के वो नहीं होगी, एक है जकात और दूसरी चीज है हज। पैसा होगा जो भी हम कर सकते हैं, माल होगा जो भी जकात दे सकते हैं। अल्लाह देने वाला लेने वाले बनता है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, आप हमारे लिए दुआ करें, आप हमें दूर हैं। आप जब दुआ करते हैं ना उतार डालते मामला भी दुआ करवाती है ना। लेकिन उतार दीजिए अगर आप बदवा करोगे तो वो नहीं करवा याद रहना समझ रहे ना। बदवा नहीं करते ना किसी के लिए, हाँ दुआ किया करें। जैसा बात करूँगा जैसे एक मतलब या हमारे दो लोग ऐसे हैं जिससे हम पहले से तालुक है माशाल्लाह। आप हजार के लोगों को देख कर आप हजार जिस तरह बच्चों के तरबियत कर रहे हैं या तालीम दे रहे हैं बस इसका बदला तो अल्लाह ही दे सकता है। और इंशाअल्लाह ये बदला आपको कल हज के मैदान में मिलेगा, इसलिए आप यहाँ करते हैं यही बच्चों की। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.